ये देखो भाई, भाई क्या लग रही है यार, सही लग रही है यार, टॉप करेंगे भाई। मैंने 4 से 5 घंटे अपने चैलेंज खत्म होने में। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी का जो व्लॉग है ना वो मैं शूट कर रहा हूँ रात के 10:30 बजे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो रीजन ये है कि भाई मैंने एक रखा है चैलेंज कल के दिन के लिए। वो चैलेंज है भाई 12 घंटे तक पढ़ाई करने का। अब ये चैलेंज रखने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि भाई जो एग्ज़ाम्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रही है। मैं JEE और CET देने वाला हूँ, तो इसके लिए अभी पढ़ाई मतलब पूरी जोरों शोर से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे मतलब मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक 12 घंटे तक पढ़ाई करने का ना, मतलब पूरा पूरा दिन, 12 घंटे मतलब उसमें पूरा दिन आ जाता है, तो पूरा दिन पढ़ाई करने का एक चैलेंज रखते हैं जो कि मैंने रखा है भाई कल के लिए। क्योंकि एक तो कल मुझे कोई काम नहीं है, मैंने जो कुछ काम थे वो आज निपटा लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब मैंने कल कोई मुझे कहाँ पे जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, तो इसलिए कल मैं फ्री हूँ, तो इसलिए पूरा दिन हम पढ़ाई करेंगे। अब इसका मैंने टाइमिंग ये रखा है कि हमारा सुबह रहता है भाई क्लास, तो क्लास को मैं उसमें कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि क्लास का एक अलग हो जाता है और खुद मतलब सेल्फ स्टडी करना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैंने टाइम रख रखा है भाई 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का, मतलब उसमें पूरे 12 घंटे आ जाते हैं। और वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी होगा क्योंकि बीच में मैं ब्रेक भी लूँगा जो कि होगा भाई खाना खाने के लिए और बाकी के सारी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए मैंने भाई 1-2 घंटे मतलब वो एक्सटेंड भी हो जाएगा, शायद 11 बज जाए या फिर 12 बज जाए। और कल के दिन ना मैं भी व्लॉग भी बीच बीच में बनाऊँगा क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, अभी के बजे है भाई 6:30 और मैं अभी जा रहा हूँ क्लास क्योंकि 7 बजे हमारा क्लास है। और क्लास ख़त्म होने के बाद अपना शुरू होगा भाई चैलेंज 10 बजे, और देखते हैं क्या कुछ रहता है। अभी तो चलते फटाफट क्लास, और क्लास करने के बाद मिलते हैं, चल। तो फाइनल यार अब हमारा क्लास जो है ना वो छूट गया है, और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक ब्लैक पोलो खड़ी है, दिख रही है कि नहीं आपको? ये देखो भाई, भाई क्या लग रही है यार, सही लग रही है यार। चलो जाने दो, अपना जो चैलेंज है वो अभी शुरू होने वाला है क्योंकि अभी बचे हैं 10:03। पहले तो कुछ खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, थोड़ा पेट भर के खा लेते हैं और फिर अपना स्टडी शुरू करेंगे। तो चलो पहले नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं। अभी जस्ट क्लास से वापस आ रखा हूँ क्योंकि एक तो लगी है भाई भूख और कुछ खाना है क्योंकि अभी बजे है 1, ठीक है। तो अभी चलते हैं रूम पर, अपना टिफिन वगैरह खाते हैं और आधे घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद फिर से हम जाएंगे भाई क्लास में। ये देखो भाई बॉटल भी ले रखी है, चलो चलते हैं फटाफट। और धूप भी भाई अच्छी खास है, बिक रही है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, जो कुछ होता है आपको दिखाऊँगा, चल। तो अब यार हमारा खाना वगैरह सारा कुछ हो चुका है और अभी टाइम हुआ है, अरे शुरू हो जाओ, तो 2:30 बज गए अभी। तो अभी निकलते हैं फटाफट क्लास के लिए, ऊपर से आधा घंटा लेट ही हो गया क्योंकि हमारा टिफ़िन नहीं आ रखा था। तो अभी चलते हैं क्लास में और फिर से जो अपना चैलेंज है वो कंटिन्यू करते हैं, चलो चलते। अरे एक तो देखते और ना भाई, बारिश हो रही थी लेकिन हाँ अभी तो बंद हो चुकी है, जब हम खाना खा रहे थे ना तब काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी। चलो चलते फटाफट। तो अभी यार मैं जा रहा हूँ रूम पे वापस क्योंकि भाई कोई रुका ही नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और अभी 3 बजे यहाँ पे क्लास भी है, तो आधा घंटा रुकने में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अपन जाएंगे सीधा अपन रूम पे और रूम पे जाके ही वापस स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अभी जाएंगे बैग रखेंगे और किताब निकाल के स्टडी शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं करने वाला था लेकिन मतलब क्या ही करे, कोई भी नहीं रुका है, एक भी लड़का नहीं है, हर बार रुकते लेकिन आज नहीं रुके, तो इसलिए मैं अकेला बैठ के यार यहाँ पे क्या करूँ, तो इसीलिए चलते हैं अभी रूम पर और फिर वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू करेंगे, चलो। तो चलो भाई, हमने अभी जो है ना अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर दी है रूम पे आने के बाद। अभी मैं जस्ट केमिस्ट्री का एक लेसन है वो कर रहा हूँ, मतलब हमें ना ये 3 लेसन अभी मतलब पढ़ा के ख़त्म हुए हैं, ये अल्कोहल का, ये एल्डिहाइड का और ये अमाइंस का।
तो ये तीनों भी लेसन ना थोड़ा सा रीड वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि रीडिंग से थोड़ा सा ध्यान में रहता है, और फिर देखेंगे। अभी तो हाल फिलहाल 2:30 बजे हैं, तो पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं भाई मतलब बंद होगी। और इसके बाद देखते हैं, जो कुछ होगा आपको दिखा दूंगा। अभी करते हैं भाई से पढ़ना शुरू। और वहाँ पे भी भाई पढ़ाई चल रही है, और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, टॉप करेंगे भाई। मजाक नहीं। तो चलो देखते हैं, अभी पढ़ाई करते शुरू, और जो कुछ होता है आपको दिखा दूंगा। बने रहना भाई व्लॉग में, और अपने को ये जो चैलेंज है वो पूरा का पूरा करना ही करना है। तो अभी यार टाइम हो चुका है 6:03, और अपन भाई पढ़ रहे थे कितने बजे से। अरे ये हेडफोन्स लगा के बिजी है। तो अपन भाई पढ़ रहे थे करीब करीब 2:30 बजे से। तो अभी बीच में मैंने एक 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था, और उसके बाद भाई फिर से कंटिन्यू किया था। तो अभी तो हो चुका है, मतलब अच्छा खासा केमिस्ट्री और फिजिक्स उसके बाद करने लगा था, तो वो भी हो गया। अभी थोड़ा सा यार थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 1/2 घंटे का, थोड़ा सा यार फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, और फिर यार फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं मैथ्स लेने का सोच रहा हूँ, तो वो लेंगे। अभी भाई मतलब अभी भी ना 4 से 5 घंटे अपने चैलेंज ख़त्म होने में, और मेरे ख्याल से चैलेंज भाई पूरा हो ही जाएगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा सा, और फिर जो होता है आपको दिखाता हूँ। तो यार हमारे पास चपाती और ये आलू की सब्जी थी, तो हमने उसकी बना ली भाई फ्रेंकी। अब ये दो चपाती, आलू की सब्जी, और अपने पास था भाई ये शेजवान चटनी, तो ये तीनों मिक्स करके हमने बना ली भाई फ्रेंकी। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अभी इसे खाते। फाइनली यार अभी ना मैंने मैथ्स का वर्क करने के लिए लिया था, मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने सॉल्व कर दिया भाई इस नोटबुक में। तो हो गया यार, मतलब मैं बैठा था कितने बजे मुझे अभी याद भी नहीं है, लेकिन ठीक है। अभी टाइम भी मैंने देखा है, एक्चुअली आपको भी दिखा देता हूँ, मैं 9:30 बजे के, तो 9:06 हो रखे। और अभी जो सुबह से हमारा जो था एक चैलेंज कि अपने को 12 घंटे तक पढ़ाई करनी है, वो तो मतलब काफ़ी हद तक हो चुका है। एक्चुअली 12 घंटे तक मैंने बोला था, लेकिन उसमें से खाना खाने के लिए भाई 1 से 1.5 घंटा गया, फिर दो मतलब अभी भी जाएगा 1 से 1.5 घंटा खाना खाने के लिए, और ऊपर से मतलब यहाँ वहाँ ना आप लगा लो कि 3-3.5 घंटे गए। मतलब हम मान लेते कि यार 8 घंटे तो ना अभी मतलब सुबह से ना 8 घंटे तक तो मेरी पढ़ाई हो पाई है, मतलब जो कंप्लीशन का वर्क था वो मैंने कंप्लीट किया, बाकी जो मतलब रीडिंग वगैरह था, मतलब जो भी कुछ था ना सब कुछ कर दिया मैंने। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी टिफिन वगैरह खाते हैं और फिर देखते हैं। चलो तो चलो यार, अपना जो आज का पढ़ाई का जो हमने चैलेंज लिया था वो हो चुका है पूरा। एक्चुअली हमने मतलब मैंने आपको बताया कि हमने रखा था 12 घंटे का, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि 12 घंटे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें से 1-2 घंटे या फिर 2-3 घंटे से मतलब इसमें चले जाते हैं, खाना खाने का ब्रेक हो गया या फिर बीच बीच में जो ब्रेक वगैरह लगता है उसमें। लेकिन ना जो 8-9 घंटे का मतलब हुआ ना मेरा स्टडी, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो अभी देखते हैं, ऐसा मुझे भाई रोज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रही है, और अभी 3-4 घंटे से कुछ नहीं होगा भाई, मतलब 8-9 घंटे ना पढ़ाई करनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई मतलब यही नहीं है, मतलब करनी चाहिए यार जो चीज़। मतलब अभी हार्डली कितने ना 5 से 6 महीने बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में। जनवरी से हमारा जो एग्ज़ाम का जो पीरियड शुरू हो जाता है ना, बोर्ड्स आ जाती है, उसमें JEE आ जाती है, फिर अपनी CET आ जाती है, तो इसीलिए ना अभी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी हार्डली हमारे पास 5 महीने बचे हैं, और उसमें से मतलब 2 महीने से हमें प्रैक्टिस ही करनी होगी, जो अपने MCQs की सॉल्विंग्स वगैरह होते हैं उसकी, मतलब अपना जो एक्स्ट्रा स्टडी है ना उसके लिए बस भाई 3 महीने आप लगा के ले लो। तो इसलिए मैं आज से मतलब पढ़ाई मैंने शुरू ही कर दी है एक तरीके से, अभी ये रोज़ करना पड़ेगा, तो करेंगे भाई सच में करेंगे। तो व्लॉग्स थोड़े से डिले वगैरह हो सकते हैं, लेकिन व्लॉग्स डालूंगा, व्लॉग्स तो डालना पड़ेगा, व्लॉग्स तो डालूंगा भाई, इसलिए सपोर्ट करना।
और ऐसे भाई अपना प्यार बनाए रखना चैनल में, करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और ऐसे मुझे कौन कौन से चैलेंजेस करने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं वो भी बताना। मिलते हैं ऐसे किसी अनादर ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून फॉर आर अनादर वीडियो।